अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी शफिकरा और आप देख रहे हैं चैनल द फूडी मुडी। आज हम बना रहे हैं चने की दाल। तो जो चने की दाल के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं, हम पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है 7 से 8 लौंग ले लीजिएगा, 2 आपने ग्रीन इलायची लेनी है और 6 से 7 आपने लेनी है गोल वाली जो रेड मिर्च होती है वो, 1 तेज़पात और 1 आपने ले लेना है दालचीनी का पीस और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक ज़ीरा लिया है। इन सारी चीज़ों को आपने एक पैन में सबसे पहले रोस्ट करना है। तो चलते हैं, पहले सबसे पहले हम इसे रोस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, हमने मसालों को कर लिया है रोस्ट और उसको हम पाउडर फॉर्म में ले आए हैं। अब हम एक प्याली ले लेंगे और उसमें हमने 1/4 कप पानी लेना है और 3 टेबलस्पून आपने उसमें लेमन जूस ऐड करना है। साथ ही 1 टीस्पून आप इसमें करेंगे सॉल्ट ऐड। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें चाट मसाला ऐड करना है। 1 टीस्पून इसमें हम कर देंगे कोरिएंडर पाउडर। 1/2 टीस्पून आप इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी का ऐड कर देंगे। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे तरीके से इसमें कर लेंगे मिक्स। और इसे कर देंगे साइड पे। मैंने ले लिए थे दो बड़े साइज के टमाटर ले लिए थे और उसमें मैंने डाला था पुदीना, हरा धनिया और साथ मैंने 6 ग्रीन चिलीज डाली थी। और इन सारों को मिक्स करके इसमें 2 टेबलस्पून वाटर डाल के मैंने ब्लेंड करके ये एक मिक्सचर सा बना लिया था। ठीक है, ये भी हमने दाल में यूज़ करना है। तो व्यूवर्स, अब हम चलते हैं मसाला बनाने की तरफ। तो हमने ले लिया 2 अदद प्याज ले लिया मीडियम साइज़ का और साथ ही हमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट चाहिए। ये बहुत ही मज़े की एक स्पाइसी सी आपकी रेस्टोरेंट स्टाइल की एक बनेगी चने की दाल, बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसका। तो हम रख लेते हैं एक पैन। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो हो रहा है रेडी। अब इस स्टेज पे हमने इसमें ऐड कर देना है जो मसाला हमने पानी में ऐड किए थे, सारे स्पाइसेस वो हम कर देंगे इसमें ऐड। इससे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और इसकी खुशबू और ही मज़े की आने लगेगी। अब इसे करेंगे हम मिक्स। फ्लेम आपने हाई ही रखना है। साथ ही जो हमारा मसाला था वो भी रेडी होके आ गया है। ये देखें, इस फॉर्म में आपने इसे कूट लेना है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून ये मसाला ऐड कर देना है और जो बाकी 1/2 जो होगा वो हमने लास्ट में इसमें डालना है ताकि इसका जायका अच्छा आ जाए। ठीक है, देखें 1 टीस्पून मैंने अभी ऐड कर दिया और रिमेनिंग जो है वो मैं लास्ट में ऐड करूँगी। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये मैंने 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख दिया था। तो यहाँ पे हमारा मसाला बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पे मैंने इसमें ऐड कर देना है दाल। दाल मैंने 1/2 डन कर ली थी और मैंने ले ली थी ये 1.5 ग्लास मैंने लिया था और 1/2 डन इसे कर लिया था। ठीक है, तो आपने अब इसे इसमें तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाएंगे, इसे कवर कर देंगे और इसमें आप डाल देंगे 1/2 कप पानी का ताकि ये जो रिमेनिंग हमारी रहेगी है वो भी गल जाए। और अगर तो आप फुल गली हुई यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको 5 मिनट के लिए जस्ट इसे पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप पानी। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसमें 1/2 कप पानी। इसे करेंगे हम मिक्स।
और लो फ्लेम पे ही आपने इसे 15 से 20 मिनट्स के लिए पकने के लिए रख देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, यहाँ पे देखें मैंने दाल को डिश आउट कर दिया है और ये है हमारी दाल की फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नाइस इसका कलर आया है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और डेफिनेटली इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये न्यू स्टाइल से मैंने आपको बनाना सिखाई है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में ऐसे ही बनाई जाती है। तो इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी टीम को रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।